हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मन जा रहे हम में। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा का 237वां दिन है और फिलहाल हम हैं आंबोली में एक मंदिर पर। मुझे जगह मिल गई थी, वहाँ टेंट लगा लिया था। मंदिर ये है और ये मंदिर के बगल में कंपाउंड था, क्लोज कंपाउंड। चारों तरफ से दीवारें थी, मतलब तीन तरफ से दीवारें थी। इधर से खुला था, अपना टेंट लगाया, इधर हमने आराम से सोए, बढ़िया नींद आई। मंदिर बड़ा सुंदर है, पुराना मंदिर लग रहा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो अभी आपने देखा मंदिर, बहुत बहुत सुंदर मंदिर है। इवन इसकी दीवारें दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत पुरानी बनी हुई है। ये देखिए, पत्थरों की बनी हुई दीवारें हैं। बहुत पुराना मंदिर लग रहा है। अच्छी व्यवस्था है, अच्छी जगह है, अच्छा मंदिर है। यहाँ सामने भी पेड़, बगल में भी पेड़, पूरा खुला कंपाउंड है। तो अगर आप कभी आंबोली आते हैं, आपके पास टेंट हो, तो सामने पुलिस स्टेशन है, चेक पॉइंट है। वैसे सामने पुलिस चेक पॉइंट है, उनसे परमिशन लेके आप यहाँ टेंट पिच कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता है, बहुत अच्छे लोग हैं। सामने रेस्टोरेंट की लाइन लगी हुई है, खूब सारे रेस्टोरेंट हैं, कहीं भी खाना खा सकते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आंबोली का सनसेट होना तो बेस्ट सनसेट है अब तक जो मैंने देखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लग रहा था। तो फिलहाल बातें बहुत ज़्यादा नहीं करते, टेंट समेटते हैं और यहाँ से निकलते हैं। अभी मैं आमोली से नीचे उतर रहा था, करीब 3 किलोमीटर जैसे आने के बाद मुझे खूबसूरत सा नज़ारा दिखा। बहुत बातें नहीं करता हूँ, डायरेक्ट नज़ारा दिखाता हूँ। वैसे मैंने भैया लोगों को लगा रखा है पीछे दंडों के रखवाली के लिए, तो बंदर बहुत है यहाँ पे। तो अभी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो स्पेशली थैंक यू आप लोगों को, आप लोगों ने धन्यवाद, मतलब ध्यान रखा इसके लिए। और अभी आगे निकलते हैं, बहुत सुंदर नज़ारा है, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। वाटरफॉल इस सीज़न में बहुत, मतलब यूनिक सी चीज़ हो गई। अभी हम आंबोली से करीब 30 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। पणजी जाना है, पणजी गोवा में है, 63 किलोमीटर यहाँ से। रास्ते इतने सुंदर हैं, इतना सुंदर रास्ता ही देख के दिल खुश हो जा रहा है। पूरा जंगलों के बीच से छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे घर, प्यारा सा रास्ता, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, अगर आपको गोवा आना है तो यही रास्ता लेके आइए। अदरवाइज़ आप पनवेल से डायरेक्ट गोवा भी जा सकते हैं, वो भी रास्ता बहुत सुंदर है, लेकिन साइकिलिंग के लिए वो बेस्ट नहीं है। अगर आप किसी व्हीकल से आते हैं तो वो अच्छा रास्ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या बहुत घाट लगते हैं। घाट मतलब वो
बहुत उतार चढ़ाव ऐसा होता है, तो वो रास्ता भी बहुत प्यारा है। बट ये रास्ता देखिए आप लोग कितना सुंदर लग रहा है। फिलहाल हम पहुंच गए सावंतवाड़ी। बड़ा खूबसूरत सा टाउन है और इसको आप देखिए एक बार। ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं या तो नैनीताल में हूँ या तो भीमताल में हूँ, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे नॉर्दर्न जो झील के किनारे बसा हुआ टाउन होता है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे टाउन्स हैं जैसे झील के किनारे बसे हैं, जैसे नैनीताल, भीमताल, कातल, ये सारे जो बसे हुए हैं, सेम वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। चारों तरफ से यहाँ पे घर है, लोग हैं और बीच में एक छोटी सी झील है। छोटी क्या, काफ़ी बड़ी झील है वैसे, मतलब बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। और उधर वो साइड में सारी दुकानें बनी हुई हैं, इधर कुछ होटल जैसा बना है बीच में, यहाँ भी लोगों के घर हैं, काफ़ी बड़ा मार्केट सा दिख रहा है और एक प्यारा सा रास्ता है जो कि पणजी की तरफ जा रहा है। हम आ रहे हैं इस साइड से। ये रास्ता जो है, ये रास्ता सीधा मुंबई की साइड चला जाता है। आगे जाके राइट टर्न लेने पे ये निकल जाता है अम्बोली की तरफ। अम्बोली वाले रास्ते से हम आए हैं। बढ़िया लग रहा है, ओवरऑल बहुत सुंदर लग रहा है। हमारे ऑल इंडिया साइकिलिंग के 19वें राज गोवा में आपका स्वागत है। और फिलहाल हम पहुँच चुके हैं गोवा। कहीं पर वेलकम टू गोवा का बोर्ड नहीं लगा था, मैं ढूंढता रह जाता हूँ, शायद मिस कर देता हूँ कभी कभी, बट कोई बात नहीं है, बोर्ड नहीं हुआ तो क्या हुआ। हम फाइनली गोवा में हैं और गोवा में पहुँचते ही, मतलब इस मेन रोड पे आते ही मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसी गर्मी हमारे वहाँ अप्रैल मई में पड़ती है, वैसी गर्मी यहाँ दिसंबर में है, और वो भी दिसंबर लास्ट चल रहा है। ऐसा नहीं कि दिसंबर की स्टार्टिंग हो या जनवरी ऐसा आ जाएगा तो ठंड आ जाएगी, कोई चांस ही नहीं है। इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, हालत ख़राब हो जा रही है। तो हमारा यहाँ जो है सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। जल्दी जल्दी हम गोवा करके भागेंगे बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत गर्मी है और यहाँ की गर्मी मुझसे बर्दाश्त होने वाली नहीं है। जल्दी से साउथ कंप्लीट करते हैं, फिलहाल तो हम आगे चलते हैं, गोवा में आज का ठिकाना ढूंढते हैं। तो अभी हम गोवा में हैं, मडगांव एक जगह है, वहाँ से करीब 50 किलोमीटर पहले एक मंदिर पे रुके हुए हैं। पीछे मंदिर है और यहाँ रुकने की परमिशन अभी तक तो नहीं मिली है। मैं वेट कर रहा हूँ उन लोगों का जो कमेटी मेंबर्स हैं, वो आएंगे, मैं उनसे पूछूँगा और यहाँ पे टेंट लगा के रुक जाऊँगा। फ़िलहाल पंडित जी लोग आए थे, उन्होंने मुझे जाते जाते फल दिया खाने के लिए, मैं दिखाता हूँ। पूरा भर के फल मिला है, भर भर के फल मिला है। तो फिलहाल फल खाते हैं और वेट करते हैं सर का, कब तक वो लोग आएंगे, उसके बाद क्या होता है आगे अपडेट दे दूंगा। फिलहाल तो ये खाने जा रहा हूँ। रात के 9:30 बज चुके हैं और फाइनली वो मंदिर के बगल में टेंट लगाने की परमिशन भी मिल गई थी, और फिलहाल टेंट लगा चुके हैं, नहा चुके हैं और अब बस सोने की तैयारी है। सब सामान बिखरा हुआ है यहाँ पे। तो अभी बस आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। मैंने एंडिंग रिकॉर्ड नहीं की थी इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की जर्नी थोड़ी थकान भरी रही है और धूप ने परेशान किया, बस पूरे दिन धूप ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं बस यही सोच रहा हूँ, अच्छा हुआ मैं अभी आ गया, अगर मई जून में आना होता तो
पागल हो जाता मैं, बट कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छा हुआ, अभी आ गया मैं फाइनली। तो बस यहाँ ख़त्म करते हैं, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कल एक इम्पॉर्टेंट डिटेल, एक इम्पॉर्टेंट कुछ बात है तो वो शेयर करनी है, तो बस कल का इंतज़ार करिए। और फिलहाल के लिए बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।